जय जोहार। बरसात के मौसम आ चुके हैं, किसान मन खेती किसानी की तैयारी शुरू कर चुके हैं। बहुत जन संगवारी मन है खुर्रा बावा करत है, जिटर कर पानी के साधन है वो थरा दे चुके हैं या दे के तैयारी करत है। केवल धान के फसल नहीं बल्कि दलहन तिलहन के भी तैयारी बहुत जोर शोर से चलत है। इस साल बीच बीच पे पानी गिरे कारण से सब किसान भाई मन अकरस जुताई कर चुके हैं और किसान मन के मन में भारी उत्साह है। काबर के राजीव गांधी किसान न्याय योजना के एक किस्त मिल चुके हैं, दूसरा किस्त 20 अगस्त के राजीव जी के जयंती के दिन मिली। किसान मन में अपार उत्साह है, उमंग है। वैसे भी नवा फसल लगाते तो बहुत मन में बहुत अपना सपना लेके किसान अपन खेत में जाते और सबकी व्यवस्था हम सब लोग मिलकर करे थे। कुछ व्यवस्था है जो किसान व्यक्तिगत करते, कुछ व्यवस्था है जिला गांव मिलकर करते। व्यक्तिगत तैयारी सब किसान मन अपन अपन खेती किसानी पर, चाहे वो धान पर हो, चाहे मक्का पर हो, चाहे दलहन तिलहन पर हो, सबकी तैयारी कर चुके हैं। जो गांव भर की जो तैयारी करना है उन्हें आप सबसे मैं अपील करना चाहता हूँ कि धान ला फसल ला बचाए बर सबसे ज्यादा जरूरी जब अंकुरित होते हमारे अनाज के बीज उस समय ओकर देखभाल करे बहुत आवश्यकता पड़ते है। और ऐसा समय में जब मवेशी खुला चरते तो बहुत भारी नुकसान होते है, रखवाले की भी समस्या होते है। हमारे छत्तीसगढ़ में मवेशी मन के रोका छेका की व्यवस्था है, पार्टियां मन लौकी धर थे, गांव में प्रबंध होते। ये प्रबंध ला अलग अलग जगह अलग अलग गांव में अलग अलग समय में करते। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ में हमारे एक नारा दे रहे हैं, आप ले याद हुई कि छत्तीसगढ़ के चार किनारी नरवा गरवा घुरवा बारी। ये साल हम नरवा के संधारण पर नरवा मल्ल पुनर्जीवित करे बर 1300 नरवा मल्ल हमन का प्रोजेक्ट बनाए हैं, उन्हें स्ट्रक्चर खड़ा करे हैं। अगले साल भी ये योजना हमन लगातार चालू रखो। मनरेगा में बहुत अगर काम हुए हैं, जमे गौठान निर्माण भी काम हुए हैं। अभी तक के करीब 2200 गौठान के निर्माण हो चुके हैं, 2800 निर्माणाधीन है वो बहुत जल्दी पूरा हो जाएगी। हमारे छत्तीसगढ़ में लगभग 11,000 पंचायत है और में 5,000 गौठान पूरा हो जाएगी इस साल। गौठान का मतलब सदुपयोग करना है, गरवा मन की रोका छेका की व्यवस्था हम जबकि जल्दी कर वो हमारा फसल उसके सुरक्षित रहेगी। और इस कारण से आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि 19 तारीख तक के आप अपन गांव में बैठक करके रोका छेका की व्यवस्था कराओ। सरकार की ओर से प्रति गौठान 10,000 रुपया हर महीना दे के फैसला किए गए और में बहुत अकन और गतिविधि संचालित हुई जिसका से रोजगार भी निर्माण होना है। हमारे जैविक खातों भी बनी, आजीविका के अनेक प्रकार के व्यवस्था वो किया जाए, इनमें आप सब लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेकर आवश्यकता है। तो सबसे पहले जरूरी है हमारे फसल के बचाए के देकर बस रोका छेका जरूरी है। और आप मैं बताना चाहता हूँ कि पिछले साल हम 83 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी कर रहे हैं। ये साल किसान मन में उत्साह है, रकबा भी बढ़ी और किसान मन की संख्या भी बढ़ी। तो आप जब अधिक उत्साह से जब आप काम करा था तो आपकी फसल भी सुरक्षित होना चाहिए। तो ये पहले के सब किसान मन ला चरवाहा मंडला मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि 19 तारीख तक के आप अपन गांव में बैठक करके पांच सरपंच किसान भाई बहनी मन सब जन बैठक करके ये निर्णय लो तो एक छत्तीसगढ़ पर एक नया दिशा होगी। अगर कि यदि हमारे यहाँ चरागन नहीं हुई तो हमारा दूसरा फसल की तैयारी भी जल्दी कर लेगा।
बहुत अगर किसान मन ए पाए कि विलंब से खेती शुरू करते काबर की पार्टियां मन लौकी नहीं धर रहा है, गरवा मन की व्यवस्था नहीं हो रहा है, एक से रोपाई वगैरह बहुत विलंब से होते हैं। यदि पहली रोपाई कर ले को ना पहली फसल कट जाए, हम दूसरा फसल की तैयारी भी कर ले को, तो दूसरा फसल जल्दी ले सका, एक भी जरूरी है कि हमारे गरवा मन के प्रबंधन हो। और ये हमारे छत्तीसगढ़ पर बहुत महत्वपूर्ण है। इस साल कोरोना के संकट के बावजूद भी किसान भाई मन लग कोनो प्रकार के तकलीफ मत हो, तेकर सेती कृषि विभाग और सहकारिता विभाग मिल के प्रत्येक सोसाइटी में खाद बीज के व्यवस्था करे है। करीब 7% किसान मन है खाद बीज उठा चुके हैं। जिन किसान मन नहीं उठाए थे मन तेकर मन से आग्रह है कि खाद बीज के उठाव कर ले, ताकि जो हमारे भंडार गृह है उसमें और खाद हमन ला के रख सकन। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जिन बाड़ी योजना है जिनमें भी आप बीज वितरण किए जाते कृषि विभाग के द्वारा भी, और जिन वनांचल एरिया है उसमें वन विभाग के द्वारा भी ये बाड़ी योजना हाथ में ले गए हैं। और एक माध्यम से हम चाहते हैं कि आपके बाड़ी में हर प्रकार के जो सब्जी है तेकर उत्पादन हो, फल भी उत्पादन हो, एक बार पर्याप्त बीज की व्यवस्था किए गए एकर लाभ किसान भाई मन उठाए, ताकि जिन आज कुपोषण की लड़ाई छत्तीसगढ़ सरकार लड़ा थे उनमें हमारा सफलता मिले, हमारे लड़का मन तंदुरुस्त हो। एक बार जरूरी है कि मतलब भोजन में उकर थाली में हरा सब्जी साग भाजी होना जरूरी है, फल जरूरी है। तेकर सेती अपन बाड़ी में हर प्रकार के सब्जी के लगाओ, ताकि कोनो प्रकार के कुपोषण के शिकार से हम बच सकें। धन्यवाद, जय जवान। सुनिए बात करेंगे अब जशपुर की, जहाँ